दिल होते रखे ना, दिल तेरे को दे पहले दे चुके हैं, और क्या रखेंगे। ये बात भी सही है, सबके दिल तो मेरे पास हैं। सारे भाई लोग ना मुबारकबाद दे रहे, किस चीज की दे रहे भाई? देखो हमारे जिप्सी। सबसे पहले हम इंटर स्पीति इसी को लेके गए थे, आज ये भी साथ में खड़ी है और डिफेंडर भी साथ में खड़ी है। और हाँ, ये बात तो सही है, बर्फ साफ करने का। हम कैसे घूम रहे, टायर ट्रैक्शन नहीं मिल रहा उसको बिल्कुल भी, पूरा ब्लैक आइज है। रात को 2 बजे ब्लैक आइस पे यहाँ पर खेल चल रहा है। ओ भाई, एकदम जब ठंड हो जाती है ना, ये पूरी जम जाती, कांच बन जाता है। और ये कांच बनाओ जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। भाई रोड देख रहा है कितनी छोटी है। हाँ। बिल्कुल निक्की सी रोड है। आज रात गाड़ी में बितानी पड़ेगी अपने को। कोको गुड मॉर्निंग। कोको सुबह सुबह हमारे गार्डन में आके अपने दोस्त को देखता रहता है, नहीं आया ना, वो सो रहा है बेटा, ठंड है ना आज। तो भाई अभी टाइम देख लो, 2:15 और अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो तो बताते हैं आपको, और साथ में यहाँ बन रहा है खाना। रेडी भाई? रेडी। अच्छा गरम हो रहा है, इसमें बना दिए पराठे साधना ने, यहाँ पे चावल। ओके, चावल सब्जी गरम। और कोको को जाना बाहर अपने दोस्त के पास। जा भाई जा, सारा दिन यही करता रहकर और कुछ नहीं करते, कैसे जाएगा। बस इसको जाके वहाँ पर भोंकना है और वापसी आ जाना है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग नहीं, वैसे गुड आफ्टरनून हो रहा है। और इससे पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, आपने उसमें ये देखा होगा कि हमने कहा था सुबह सुबह 8 या 9 बजे हम निकल जाएंगे। एक्चुअली सीन क्या था ना, पहले तो हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने पूछा था ऑल्टो लेके जाए डिफेंडर लेके जाए, सब ने डिफेंडर डिफेंडर डिफेंडर, सिर्फ 10% ने ऑल्टो लिखा था। अभी भी हमारे दिमाग में चल रहा है क्या लेके जाए, कौन सी गाड़ी, दोनों गाड़ी अपनी रेडी खड़ी है, डिफेंडर भी ऑल्टो भी। कल उसको मॉडिफाई भी करवा के सारे स्टिकर स्टूकर बनवा लिए। सुबह 9 बजे एक भाई के पास पहुंचना था जहाँ से हमने हीटर ठीक करवाना था, उसने बोला था डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, 2 घंटे लेंगे ठीक करने में, आप आ जाना 9 बजे। 9 बजे मैंने उनको कॉल किया, वो कहता भाई मैं कहीं आया हूँ बाहर पानीपत की साइड, मतलब हमारे यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर दूर, कोई गाड़ी पिक करने के लिए, तो गाड़ी पिक करूंगा दोपहर तक पहुंचूंगा। मतलब चल कोई दिक्कत नहीं, हम तेरा वेट करते हैं। अभी उसको कॉल करा, वो कह रहा अभी भी मैं बाहर हूँ। अब अपने को समझ नहीं आ रहा, करे तो करेगी, अपना अंदर से मन हो रहा था थोड़ा डबल एडवेंचर करने का। एक तो होता है एडवेंचर नॉर्मल जो कि डिफेंडर पे हो जाएगा, आपको बड़े बड़े व्यू दिखा देंगे, बर्फ में चला लेंगे, वो सब कर लेंगे। होता ना कि हाँ भाई पता है यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, 4x4 तो है नहीं वो, तो उसको और धक्का मारेंगे, चेन लगाएंगे, थोड़ा तगड़ा एडवेंचर करने का मन था। अपने घर भी जाना है मम्मी पापा से मिलने के लिए, शाम को 6-7 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। कहाँ हम पहुँच पाएंगे, अपने को जाना का है विंटर स्पीति जाना है, हम मनाली नहीं जा रहे, हम यहाँ से डायरेक्ट लगाएंगे शिमला, शिमला से नारकंडा होते हुए काजा पहुँच जाएंगे। चलो वो तो रास्ते की बात है, अभी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, जब गाड़ी में बैठेंगे ना तब फाइनल पता लगेगा कि हाँ भाई ये वाली गाड़ी लेकर जा रहे हैं। क्या हुआ कोको, क्या हुआ, क्या हुआ, पोटी आई है? आ भाई साहब इसको पोटी आई है, कह रहा जाने से पहले एक बार मेरे को घुमा के आओ। चल चल चला आओ, चले चलो 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 निकालो इसकी चेन, पहले इसको एक राउंड कटा के आएंगे। जब भी यहाँ से बाहर आते हैं अपनी बाइकें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन अभी एक भी बाइक नहीं है, सारी कहीं और खड़ी हुई है। और एक ही बारी में ना हमने सारा सामान भी ले लिया, साधना भी आ गई, साधना कोको को घुमा लेगी, मतलब मैं घुमा लूंगा कोको को सामान रख के। और गाड़ी भी हमारी दूर खड़ी हुई है दोनों की दोनों ना, लॉर्ड ऑल्टो को भी यहाँ लगा देते हैं और डिफेंडर तो हम लेके ही जा रहे हैं, फाइनल हो गया। डिफेंडर हमने इसलिए फाइनल करा है कि जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ कम से कम पहुँच तो जाए, ये ना जाए आधे रास्ते से वापसी आना पड़े। और ये देखो हमने लॉर्ड ऑल्टो क्या तैयार करवाया था यार, पूरा ये देखो स्टीकर वीकर लगवा के इतनी मेहनत करी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नंबर आएगा, ट्रैवल तो हम करते रहते हैं। अभी इस पे घूम के आते हैं, वापसी आके फिर इसको लेके जाएंगे कहीं ना कहीं। और हमारा घर देखो भाई सजा हुआ कितना बढ़िया लग रहा है, लॉर्ड ऑल्टो को यहीं लगा देंगे। चला आ जा, चलो चलो चलो। मेरे को ना ऐसा लगता है ये पिछले जन्म में ना माली था, ये देखो भाई जहाँ इसको पेड़ पौधे नज़र आते ना वहीं घुस जाता है। लो भाई फाइनली निकल रहे हैं, और सोचा था गाड़ी की सर्विस भी करवाएंगे लेकिन गाड़ी गंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही ले जाएंगे। अब और क्या कर सकते हैं, काला चश्मा पड़ा ना भाई, हाँ बाय चांस ज़्यादा बर्फ बुरफ होगी ना, ये है ना भाई, ये ठीक है मेरा, ये चल जाएगा। एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा स्नो होती है ना, जो कि उम्मीद है हमें मिलेगी, तो उसमें क्या होता है ना स्नो ब्लाइंडनेस होती है, सब कुछ वाइट ही वाइट नज़र आता है, रोड पता ही नहीं लगती। अगर बहुत ज़्यादा स्नो होती है तो ये काले चश्मे की जरूरत पड़ती है, होना ही चाहिए आपके पास। पेट्रोल अपनी गाड़ी में कम ही है, आधे टैंक से कम है, 200 किलोमीटर दिखा रहा है, चलेगी, कहीं आगे से डलवा लेंगे। और सबसे मेन चीज़ पता भी क्या हो रहा है, इतने दिन से ऑल्टो चला रहा हूँ ना, बार बार हाथ यहाँ जा रहा है गेट डालने के लिए, वो आदत पड़ गई है ना, ये हाथ यहाँ जाता फिर आता, अरे ये तो ऑटोमेटिक है। और आज है सैटरडे तो अपने को ज़्यादा जाम भी नहीं मिलेगा, रोड एकदम खाली खाली दिख रही है। चलो भाई मैं तो आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था, अप्रैल फूल, तगड़ा जाम, दूर तक जाम, जैसी वो वाला वीडियो बना के हटा ना, मुश्किल से 200-300 मीटर आगे का लंबी लाइन दिख रही है गाड़ियों की,
कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ से अपने को मोती नगर जाना है, कुछ काम है, पापा मम्मी से भी मिलना है, उसके बाद हम निकल जाएंगे। वैसे हम पीछे वाले रूट से जाते हैं जो सीधा पानीपत जाता है गुड़गांव से, लेकिन हमें करनाल में भी काम है, वो काम भी निपटाते हो जाएंगे, साथ में मम्मी पापा से भी मिल लेंगे, तो यही वाले रूट से जाना पड़ेगा भले जितना मर्जी जाम मिल जाए। अबे खन्ना जा रहा है क्या आगे जिमनी लेके? नहीं, खन्ना नहीं हो सकता, लग तो वही रहा यार। अरे उसके पास S1000 आ रहा है, कहां जिमनी चलाएगा वो? ये बात भी सही, महंगा बंदा है वो। भाई ये येलो कलर की थार कब आ गई मार्केट में? भाई ये आती तो नहीं, ये करवाई है शायद। व्हाइट देखिए, ब्लैक देखिए, रेड देखी है, रैप करवाई है या तो रैप करेंगे, पेंट करा दी। चलो बढ़िया यार। आंटी जी कैसे हो? बढ़िया, ठीक हो एकदम? आज घर पे बता के आया हूँ कि मैं आ रहा हूँ, और जाम इतना ज्यादा था, डांट पड़ चुकी है 2 बारी, कहाँ रह गया कहाँ रह गया कहाँ रह गया। छोटो हेलो भाई, सुने बात है तुम? अरे भाई बहुत जाम था, बहुत जाम, बहुत जाम, बहुत जाम। तुझे भी निकल जाम ही होता है? नहीं नहीं, वहाँ गुड़गांव रास्ते में लग ही जाता जाम। मैं बोल ही रहा था आज पापा फेलने वाले हैं। पगड़ी कलर दिया, अच्छा लग रहा पगड़ी कलर? अच्छा लग रहा। कैसा लग रहा पगड़ी कलर? ज्यादा डार्क है, ठीक है, सही नहीं, ठीक है, सही लग रहा। मेरी मम्मी एकदम स्ट्रेट बोलती है कि डार्क ज्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं कि दिल रखने के लिए यहाँ बढ़िया लग रहा है, दाग ज्यादा लेकिन ठीक है, बढ़िया लग रहा है। दिल होते रखे ना, दिल तेरे को पहले दे चुके हैं और क्या रखेंगे। ये बात भी सही है, सबके दिल तो मेरे पास है। ये देखो भाई, पापा भी भर के मेरे लिए सामान ले आए हैं, समोसे और सैंडविच भी। समोसे मीठे समोसे, तो आप भी चलो ना साथ। नहीं घूम के आएंगे? मैं नहीं चलूंगा, मैं फिर कभी चलूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम होगा, इतनी ठंड में नहीं सकता भाई। चलो ठीक है, इस बार हम थैला ले जाते हैं। तो भाई ये वही पॉइंट है जो अभी हम मॉल से लेकर आए थे ना, थोड़ी खुली खुली है, तो पापा पता क्या कह रहे हैं? नीचे से रस्सी बांध के ऊपर से राशन डाली जाओ, इतना सामान आ जाएगा इसके अंदर, इतना गंदे बुला दो। लेकिन अच्छी लग रही, नहीं लग रही? अच्छी लग रही है, पक्की बात है ना? आपको नहीं सही लग रही? कह रही ठीक ठीक है, इतनी बढ़िया भी नहीं है। ये देखो भाई, इसके अंदर क्या है पापा? 3 सैंडविच, 4 सैंडविच, 4 सैंडविच और 2 समोसे, 2 समोसे मीठे खोए वाले। इसको थाले में डाल लेता हूँ ना। कौन से समोसे? खोए वाले कौन से? मीठे समोसे, मीठे वो। अरे गुजिया वाले ले आए क्या? गुजिया वाले समोसे हैं ये। ओके चलो ठीक है, जो भी है सब काम आ जाएगा, पूरा थैला ही उठा लिया मैंने। सही है भाई, अभी सारे भाई लोग ना मुबारकबाद दे रहे, किस चीज की दे रहे भाई? लॉर्ड ऑटो। हाँ भाई, कौन सी गाड़ी ली हमने? लॉर्ड ऑटो। अरे क्या बात है, चल ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखियो, ठीक है। लो भाई फाइनली हम लोग घर से निकल गए थे, पापा का फोन आया था कि भाई जा रहा तो मिलता हो जाए, अगर यहीं से निकलेगा तो। फिर मिल भी लिए, पापा ने समोसे समोसे पैक करा दिए, पता नहीं दुनिया भर का राशन थैले भर के पकड़ा दिया हमें, लेकिन रस्ते में हमारे काम आ जाएगा। अभी आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊं, 5:46, मुझे नहीं पता हम कब कहां पहुंचेंगे। प्लान यही है कि आज शिमला जाके रुकेंगे या शिमला से भी ऊपर निकल जाएं, लेकिन अगर ज़्यादा फॉग मिले ना रास्ते में तो मेरे ख्याल से हो सकता है चंडीगढ़ ही पड़ जाएंगे, चंडीगढ़ से आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि गाड़ी में से दिखना तो कुछ है नहीं, वहीं रुक जाएंगे, कल सुबह निकलेंगे, देखते हैं जैसा भी होता है आपको पता लग जाएगा, और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। भाई सामने वाली रोड पर जाम देख, अपने को वहीं से जाना है, तगड़ा जाम है भाई, तगड़ा। ये भी पंजाबी बाग की रेड लाइट ही है, कब हम बाईपास पहुंचेंगे, कब हम हाईवे पे पहुंचेंगे ये भी नहीं पता। लो भाई अभी तक हम लोगों ने हाईवे नहीं पकड़ा है, वो सामने हाईवे वाली रोड है। घर से निकलते ही भूख लग गई है, निकालो भाई सैंडविच। ये देखो पापा कह रहे थे वहीं खा ले, नहीं रास्ते में खाएंगे, रास्ते में क्या दिल्ली में ही खा रहे हैं, बोला था हाईवे पे खाएंगे, हाईवे पे पंजाब पहुंच जाएंगे ना तब हमें भूख लगेगी। यही लग गई, टाइम आपको बताओ 6:43, मतलब 1.5 घंटा भी दिल्ली के अंदर अंदर ही घूमते घूमते हो गया। लो भाई आ गया सैंडविच, ये आगे चटनी, और हमारे गूगल महाराज बता रहे हैं आप रात को 2 बजे पहुंच जाओगे शिमला। लो जी ये आ गया हमारा पहला टोल, आई थिंक ये करनाल का टोल है या उससे पहले वाला है, कोई तो है, नाम वाम कुछ नहीं लिखा हुआ। जब से हमने गुड़गांव वाले रास्ते से आना शुरू करा ना, ये सारे टोल बीच में आते नहीं, सीधा हम पानीपत पहुंचते हैं। ये शायद हो सकता है मूरथल वाला टोल हो, करनाल वाला इसके आगे होगा, और अपनी लॉर्ड ऑल्टो को हम बहुत मिस कर रहे हैं, उसको पूरा हमने तैयार करवाया, रेडी करवाया कि भाई लेकर जाएंगे, स्टिकर बनवाया, आपने देखा सीटें चेंज करवा दी, सिस्टम सब कुछ सही नहीं लगा, खरीद लिया था, चेन खरीद लिया भाई, चेन में खर्चा कर दिया, बेल्ट खरीद ली, चलो बेल्ट तो इसमें भी काम आ जाएगी, लेकिन सारा खर्चा कर दिया था उसमें। उसके बाद बेचारी वो घर ही खड़ी है, ये हमारे साथ जा रही है। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट कर दिए ना उस वीडियो में, हमारा ना मनी डोल गया,
मतलब इतने सारे कमेंट, डिफेंडर डिफेंडर डिफेंडर, मतलब लगा लो उस वीडियो पे करीबन करीबन 8000 कमेंट है, 8000 में से 7000 कमेंट में डिफेंडर लिखा हुआ है, और मुश्किल से 200-300 कमेंट में होगा लॉर्ड ऑल्टो लॉर्ड ऑल्टो। मेरे को लगा फिर आपको यही देखनी है तो हम यही दिखाएंगे। देखो होता क्या है ना, जो चीज आप लोगों को देखनी होती है ना वही दिखाओ, तब हमें भी मजा आता है उस पर ट्रायल करने की। आपका ही मन लग रहा है आपको ये चीज देखनी थी, तो हमारा मन भी वैसे ही लगा रहता है, तो हमने फाइनल करा चलो ठीक है भाई डिफेंडर ही लेके जाते हैं। हम लोग ना आपका आप लोगों का कमेंट बहुत पढ़ते हैं, सारे के सारे जो देखना चाहते हो जो कमेंट करते हो वो करके हमको ही मजा आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल कर दिया करो, कमेंट किया करो वीडियो में ना, उससे ना हमें ये पता लगता है कि हाँ भाई आप लोग ये देखना चाह रहे हो। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, 8000 कमेंट है, 7000 में डिफेंडर, हमने एक एक कमेंट पढ़ाया, बड़े सारे लाइक भी करे हैं, कईयों के रिप्लाई भी करे हैं, तो आप लोग कमेंट करते हो हमारे लिए ना चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाती है, जो हमारे दिमाग में सोच चल रही होती है भाई ऐसा करे वैसा करे, तो भर के कमेंट किया करो हमें भी अच्छा लगता है। करनाल टोल आ गया क्या? करनाल टोल नहीं आपको बताया अभी, अगला करनाल है अभी 20 किलोमीटर बाद। थैंक यू मेरे भाई, अपने को ना करनाल टोल पे किसी से मिलना है। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर बाकी है, अभी पानीपत टोल आ गया, इसके बाद आया करनाल टोल। तो अपने को ना करनाल में एक छोटा सा काम है, जो हमारे जिप्सी के डॉक्यूमेंट है ना, जब हम मनाली गए थे जिप्सी की एनओसी निकलवाई थी मैंने, तो वो एनओसी मेरे को यहाँ पर पकड़ानी है, जिनको मैंने गाड़ी भेजी थी अभी तक उन्होंने नाम नहीं कराई क्योंकि एनओसी निकल ही नहीं रही थी। फिर मैं खुद मनाली गया, वहाँ पर मैंने खुद एनओसी निकलवाई, अब उनको दे देंगे, ये वाला काम भी निपट जाएगा। जिंदगी में ना ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं और चलते रहते हैं साथ साथ, उनको कोशिश करो ना पूरा करने की, वो हो ही नहीं पाते, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते रहते किस तरह हो जाए, फाइनली हो गया। ये देखो हमारे जिप्सी, क्या बात है भाई, क्या बढ़िया लग रहा है, हमारी जिप्सी हमारे पास आ चुकी है वापस, आ उतर के देखेंगे, एक नंबर लग रही है, एक नंबर। पुरानी यादें, हेलो, सशिका मजा आ रहा है जिप्सी में? नहीं आ रहा, आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, इनके पापा जी ने खरीदी है। हाँ भाई मजा आ रहा है, नहीं आ रहा जी? बहुत ज्यादा आ रहा है, अपनी सारी यादें ताजा हो गई हैं। ये देखो भाई साहब, अभी तक स्टिकर भी नहीं हटवाया आपने जट प्रभजोत का? नहीं है जी, मैं नहीं छेड़े, मैं नहीं पढ़ी। हां ये सेकंड टैंक का ऐसा है जी। अच्छा 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 अच्छा, अभी स्टिकर भी वहीं लगा हुआ है। सही है, देख के सारी पुरानी यादें ना दिमाग में घूम रही है। सबसे पहले हम इंटर स्पीति इसी को लेके गए थे, आज ये भी साथ में खड़ी है और डिफेंडर भी साथ में खड़ी है, और बताओ बस ये नहीं जा रही, जा खाली डिफेंडर रही है, पहले इसको लेके गए थे आज इसको लेके जा रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ में ही है, पहले ये अब ये, इसके बाद पता नहीं क्या लेकर जाएंगे। एक काम करोगे क्या? हाँ जी बोलो। डिफेंडर ले जाओ, जिप्सी दे जाओ, बताओ। जैसे आपकी मर्जी। पक्की बात है? पक्की बात। लाओ चाबी लाओ। अभी तक इन्होंने स्टिकर नहीं उतरवाया ना, ये अच्छा लग रहा है देख के। चलो बाय बाय, ध्यान रखना ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे अरे, हाथ मिलाते हाथ मिलाते हाथ मिलाते हाथ मिलाते, चलो जी ठीक है फिर मिलते हैं। ओके वीरे ओके। लो भाई लो, यहाँ हो चुकी है बारिश चालू, यहाँ बारिश चालू इसका मतलब पहाड़ों में स्नोफॉल चालू, मजा आ जाएगा भाई, तगड़ी वाली स्नो मिलने वाली अपने को, ऐसा उम्मीद करके हम जा रहे हैं, बाकी तो वहाँ पहुँचने में पता लगेगा, थोड़ा शीशा भी साफ कर लेते हैं। क्या बात है, अभी हम कुछ भी कर रहे हैं ना दिमाग में लॉर्ड ऑल्टो की याद आ रही है कि भाई वाइपर चलाए ची ची की आवाज आती थी, वो नहीं आई, जिप्सी देख ली जिप्सी की याद आने लग गई। ऐसा होता है ना, कुछ पुरानी चीजें अक्सर आपके आमने सामने घूमती रहती ताकि यादें बनी रहे, जैसी हमारी जिप्सी, हमने अपने जान बचाने वालों को बेची है, वो कह रहे थे ले जाओ इसको भी लेके जाना, ये भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आप ही की है, मैंने नहीं नहीं यार कभी चलानी हुई कभी अंदर से मन करा तो हम पक्का आपके पास आएंगे, आपको याद करेंगे, आपसे लेकर जाएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, अच्छा भी लगता उन्होंने भी एक उम्मीद से। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो प्यार मोहब्बत होता है ना, प्यार मोहब्बत में कहते हैं कि हाँ ले जाओ, लेकिन हम लेके जाते हो मना भी ना करते, मतलब बढ़िया बंदे जिनको हमने बेची है ना, एक नंबर बंदे हैं भाई। कोई मंत्री जा रहा है भाई तगड़ा ही, देख रहा कितनी सारी गाड़ियां हैं लाइन में आती जा रही है, और हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, हमारी गाड़ी में हो गया था पेट्रोल खत्म, सिर्फ 60 किलोमीटर बता रहा है, यहीं से फुल करवाएंगे सीधा जन्नत पे पहुंच जाएंगे भाई। तगड़ी बारिश चालू हो गई है, तगड़ी वाली कहते हैं ना, अभी थोड़ा सा कम तगड़ी है, इससे भी तगड़ी होगी और इससे भी और तगड़ी होगी। और देखा जाए बारिश होने का एक सबसे बड़ा फायदा आपको बताऊं, पूरे रास्ते फॉग नहीं मिलेगी, पूरी रात गाड़ी चलाओ कोई दिक्कत नहीं कोई टेंशन नहीं, बारिश के चक्कर में ये तगड़ा फायदा हो गया, दो फायदे हो गए हमारे, एक तो हमें तगड़ी स्नोफॉल मिलेगी, स्नोफॉल नहीं भी मिलेगी तो ताजी ताजी पड़ी हुई स्नो मिलेगी, दूसरा फायदा फॉग नहीं मिलेगी। अच्छा है, ये पॉजिटिव साइन है, भगवान कह रहे जाओ यार टेंशन ना लो, आराम से जाओ घूम फिर के फतेह हासिल करके आओ, फतेह मतलब जहाँ जाना है वहाँ पहुँच के वापसी आओ। लो भाई गाड़ी में मिठाई का डब्बा अनबॉक्स करते हुए,
जिनको हमने जिप्सी बेची है ना वो आए थे दो मिठाई के डब्बे दे गए। मेरे को याद है पिछली बार जब मैं स्पीति गया था ना तब हमारे पास चमचम का डब्बा था। ओए होए 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 बूंदी के लड्डू वाह। और एक है यहाँ पे रखो डब्बा है इसमें भी बूंदी के लड्डू ही होंगे मेरे ख्याल से। तो नहीं नहीं होगा मेरे से। नहीं खोल के इसको भी देख ले भगवान अपने आप ही ना। पिछली बार भी तुम्हारे मिठाई थी इस बार भी मिठाई लेके जाओ आराम से घूम के आओ खाते पीते जाओ मजा आ गया भाई। ओ हो भाई इसमें तो वैरायटी मिल गई अपने को मजा ही आ गया भाई पार्टी हो गई अपनी। वापसी आते आते दोनों डब्बे खत्म हो जाएंगे। मुझे अपना फेवरेट है भाई साहब गाड़ी में पिंक लाइटें लगा रखी हैं भाई ने। भाई साहब नीचे क्या बढ़िया लग रही है रोड पे चलते बिल्कुल अलग ही दिख रही है। ये देखो पिंक परछाई लेकर जा रही है साथ। लो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अंबाला। ये बड़ा सा धनुष देख के तो आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ से अब हम कट जाएंगे शिमला के। Continue on Ambala Chandigarh Expressway for 22 kilometers. इतना तेज बोलती है ना कान खा जाती है। ये देखो भाई छोटी सी रोड है वो ट्रकों के बीच में से देखो एक बड़ा सा ट्रक जा रहा है उसने सारी गाड़ियों को रोक रखा है। एक गाड़ी उससे आगे नहीं निकल पा रही मतलब वो जितनी रोड है ना हाँ जितनी रोड है उतना चौड़ा वो ट्रक है उसको कोई ओवरटेक कर ही नहीं पा रहा। ये देखो भाई लो अच्छे से देखो ऊपर वाली लाइट जला दी हमने गाड़ी की। भाई क्या ही लेके जा रहा होगा यार ये इसमें भूसा होगा क्या लेकिन इतना तगड़ा ऐसे ट्रैक्टर खींच रहा है भाई तगड़ा ही ओवरलोड है तगड़ा ही तेरी भाई। लो भाई वेलकम टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने को अब इस पुल के नीचे से ना राइट होना है करीबन करीबन 700 मीटर बाद और 100 किलोमीटर रह गए 111 किलोमीटर एग्जैक्ट 111 किलोमीटर रात को 1:30 बजे पहुंच जाएंगे हम चंडीगढ़ की रेड लाइट पे। अगले सैंडविच की बारी आ गई है भाई इसके बाद खाएंगे समोसे पहुंच गए शिमला और क्या चाहिए जिंदगी में। पापा हो तो ऐसे पहले ही हमारे लिए पूरा इंतजाम करके रखा है तुम ये लेके जाओ खाते खाते तुम शिमला पहुंच जाओगे उसके बाद देखना ढाबे डूबे पे खाते रहना पहले ये खाओ। कभी तेरे साथ ऐसा हुआ तूने चटनी खोली अरे कपड़ों में गिर गई अरे अपने नहीं सामने वाले के क्या बात करते हो मैंने ना एक बार खोली वो कोने से कट गया इतनी सी मोरी हुई बिल्कुल ना के बराबर ना मैं आनी रही ऐसे दबाई उछल के भाई सामने वाले कपड़ों पे स्कूल में। ओहो भाई साहब उसके बाद लड़ाई हो गई थी हाथापाई हो गई थी वो कह रहा तूने जान के गिरा दी बोला यार जान के क्यों गिराऊंगा मेरे कपड़ों पे भी आई थोड़ी बहुत लेकिन उसके तो कपड़े भाई पूरे रंगीन हो गए थे लाल हो गया होगा एकदम लाल 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 लाल। चलो भैया लो भाई देखते ही देखते पहाड़ भी शुरू हो गए लेकिन अभी अंधेरे में आपको पहाड़ दिखा नहीं पाएंगे। शिमला रह गए यहाँ से करीबन 80 किलोमीटर और आपको टाइम बताऊं एक बारी क्या टाइम हो रहा भाई टाइम घड़ी ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा मोड़ है ना 22:53 मतलब 11 बजने वाले हैं 11 बजने वाले हैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 10:54 ट्रक का फास्ट टैग नहीं चला होगा ना बैग चल गया देखो खुल गया भाई खुल गया अरे वो पीछे देख रहा होगा बताओ वो बेचारा वहाँ खड़ा हो तो हरी लाइट देख रहे हो उसका फास्ट टैग खुल गया उसको पता ही नहीं खुल के बंद भी हो गया फिर से कटेगा भी पैसा। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं जो हमें दिखती रहती हैं और कुछ चीज़ों में से हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। लो भाई ये हम लोग पहुंच गए शिमला एक बार सामने का नज़ारा देखो लाइट ही लाइट है और यहाँ गाड़ी में हम अपना ही व्लॉग देख रहे हैं पिछली बार का ना विंटर स्पीति का अपने व्लॉग देख के मजे आ रहे पिछली बार हम कहाँ कहाँ रुके थे अभी हम देखते हैं शिमला से आगे निकलेंगे यहीं रुकेंगे। शिमला मेन सिटी के लिए यहाँ से सीधा चले जाओ लेकिन हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट। अरे नहीं चाहिए होटल नहीं चाहिए अरे मेरा खुद का होटल है यहाँ। टाइम आपको बताऊँ शिमला हम पहुँच गए हैं रात के 1:13 बहुत बढ़िया अभी देखते हैं डिसाइड करते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं कहाँ तक चलते हैं ये नहीं पता लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं बस इस बार भी हमें ऐसी स्नो मिल जाए ना मजा आ जाएगा। ये देखो एक बारी आज को अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है पर ओ भाई साहब अच्छे से लाइट मार के दिखाऊं क्या ये देख अब देख ओ तेरी देखा हाँ मैं आपको यही पूछ रहा था कि शिमला में बर्फ पड़ता है कि नहीं पड़ता। समीरन पहली बार आया शिमला मैं ऐसे ये पूछा था शिमला में कहाँ कहाँ घूमा कह रहा मैं तो पहली बार आया इस रूट पे पहली बार आया शिमला में बर्फ पड़ती है नहीं पड़ती मतलब भाई शिमला में भी अच्छी खासी बर्फ पड़ती है मतलब ऊपर तगड़ी पड़ेगी ना तो शिमला तक आती है बर्फ। ये देखो पूरी गाड़ी ढकी हुई है ये आजकल की बर्फ है और कल भी बर्फ पड़ने वाली है मजा आएगा और एक पीछे वाली गाड़ी पे भी है बर्फ ही बर्फ। हमारा डिफेंडर कब पड़ेगा ऐसे मतलब मैं चाहता हूँ मेरी डिफेंडर ना पूरी ढक जाए बर्फ ही बर्फ हो जाए नजर ही ना आए नीला रंग नजर ही ना आए सफेद डिफेंडर हो जाए यहाँ पर देखते हैं कुछ ना कुछ अब आए हैं
बाबा जी कृपा करेंगे हमारे पे, कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। बढ़िया बढ़िया भाई, ये ताज़ी बढ़िया है। अभी जब बारिश हो रही थी ना, देख रहा सबके शीशों पे है, जितनी गाड़ियाँ खड़ी है ना सबके शीशों पे बर्फ है भाई। सही है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लो भाई इस पे सारी लोकेशन लिखी हुई है, नारकंडा यहाँ से 58, कुफरी 12 किलोमीटर और उसके आगे हमारी नहीं लिखी हुई, ना ज्यूरी लिखा हुआ है, ना रामपुर लिखा हुआ है, ना रिकोंगपियो लिखा हुआ है। चलो ठीक है, नारकंडा तक तो अपने को जाना ही है। लो भाई इतनी दूर से जिस चीज़ के लिए आए हैं, कम से कम उसको हाथ तो लगा ले जब सामने दिख रही है तो। हो हो सॉरी भाई, स्कॉर्पियो तेरी गाड़ी से चुरा के अपनी गाड़ी पे रख रहा हूँ। भाई स्कॉर्पियो वाले तो आपको इनाम देंगे। हाँ ये बात तो सही है, बर्फ साफ करने का। स्नो में बनाएंगे यार। भाई इसकी भी चुरा लोगे थोड़ी सी? हाँ ले लो, ये भी इनाम देगा। संभाल के लाओ, गिराना मत। हमारी गाड़ी को ठंड लग गई शायद, आवाज करने लग गई। आजा का जाना। देखो भाइयों, बड़ी तगड़ी स्नोफॉल हुई है, हमारी पूरी गाड़ी ढक चुकी है। अभी आपके सामने ही तो हुई थी, हाथ जम गया भाई, तगड़ी ठंडी है तगड़ी। चलो सही है यार, फुल टू मज़ा आने वाला है। देखते हैं नारकंडा तक चले जाते हैं, नारकंडा क्रॉस कर लेते हैं, या आगे हाईवे हाईवे पे जो होटल मिलेगा ना वहाँ रुक लेंगे। ये तो हमारी गाड़ी है। लॉर्ड ऑल्टो ये बता रहा था, हाईवे हाईवे पे जो सा होटल मिलेगा, शिमला नहीं रुकना चाह रहा, शिमला में ना सुबह बड़ी तगड़ी भीड़ हो जाएगी, हाईवे हाईवे पे जो मिलेगा वहाँ रुक जाएंगे, सुबह 9-10 बजे फिर निकल जाएंगे। चलो बैठो। बर्फ नहीं मारी तो क्या ही किया। चलो भाई इस बर्फ को हमें लेके जाना है कहाँ? काजा। बैठे रहिए, पिघली मत, सुबह धूप निकलेगी तो। भाई मुझे ये बताओ, वो टनल को इतना सुंदर बना दिया बाहर निकलने वाली, ये टनल को ऐसा क्यों रखा है? हमारी टनल सुंदर क्यों नहीं है यार? वहां से चलते, चलो वो नया होगा। वो नया होगा? हाँ। नहीं नहीं, वो आने का होगा या जाने का होगा भाई? अच्छा, देख गाड़ी निकली ना वहां से, ये टनल था। हाँ। तो गाड़ी आती कहां से थी? तब भी वहीं से आती होंगी, कुछ तो कुछ लिखा भी है भाई टनल पे। चलो ठीक है यहीं से चले जाते हैं। लो भाई हम लोग लगभग कुफरी पहुंच गए, यहाँ से 5-6 किलोमीटर ही, और स्नो देखो रोड पे, ब्लैक आइस भी है काफी, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं, अंधेरे में पता लगता ना ब्लैक आइस है क्या है। गाड़ी की लाइट क्यों जला के बैठा भाई? हाँ ये आगे सारी ब्लैक आइस है, अभी ना पीछे तगड़ी ब्लैक आ रही थी और हमारी गाड़ी कैसे डोल रही थी ऐसे 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 ऐसे। भाई लोग तो रात को पार्टियां कर रहे हैं यार, यहाँ होटल ढूंढ रहे हैं, सब पार्टी कर रहे हैं, उनको होटल चाहिए नहीं। होटल लेके क्या करना है, पार्टी करने है, पार्टी करो, यही करो और क्या, जहाँ करनी है वहीं करो और आगे निकलो। उरे 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 भाई, भाई। ओहो ये देख रहा, देख रहा, हाँ हाँ धूल रही है गाड़ी। ओ भाई साहब, भाई ये थार वाला आगे निकल के गया, घूम गया भाई साहब। चढ़ जा साहब, ऊपर चला जा, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, दिखा दे दम लगा के हिस्सा। बहुत बढ़िया, ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है फ्री हैंडल वैंडल मोड़ के ना। इधर भी गाड़ी फंसी हुई है, इधर भी फंसी हुई है। फ्लिप मारी क्या आपकी गाड़ी? हां फ्लिप मारी, खुद ही फिर साइड में कर दी थी। नहीं 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 सही है। कैसे हो? ठीक हो भाई? वही नहीं आया। अच्छा अच्छा, कैसे यार? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे हालो ना, कुफरी उस साइड है, कुफरी उस साइड है, वो बैग लेके आ रहे हैं वो। हां ये क्रेता वाला भी बैग लेके आ रहा है, इसका भी ऊपर नहीं जा रहा होगा ना। और वो देखो कैसे घूम रहा है, टायर ट्रैक्शन नहीं मिल रहा उसको बिल्कुल भी, पूरा ब्लैक आइज है। रात को 2 बजे ब्लैक आइस पे यहाँ पर खेल चल रहा है। तुझे कितो? भाई शारपुर। नहीं भाई यही। आगे जा पाएंगे? जा ही नहीं। आगे जा सकते हैं? सर आप देख लीजिए, अगर जा सकते हैं तो जा रहे हैं। क्या? वो देख भाई उसकी फिर भूख। कसम से आई लाइक यू। पक्की मजाक नहीं है? मजाक नहीं सर, पक्की मजाक नहीं है। फेसबुक पे वो कर लीजिए सर। क्या कर लो? चेक कर लीजिए। अरे अरे आपने बोल दिया, काम लिया है जट भैया। सही है सही है, चढ़ के चढ़ के क्रूज कर लीजिए। नहीं इनकी जो चढ़ेगी सर चल जाएगी सर, मॉर्निंग में बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। सर कसम से यूटर्न मार लिया, उन्होंने भी यूटर्न मार लिया। यूटर्न मारा नहीं था, गाड़ी पूरी घूम गई थी। और ये भाई हाथ ही नहीं छोड़ रहा, कह रहा कसम से। अच्छा नहीं लग रहा। पक्की बात है, कसम से है ना?
कसम से 250 वाली भाई ने कसम से बोल दिया। चलो भैया हमारा जाएगा, हमारा तो जाएगा, हमारा जाने के लिए आया है। कहीं से जगह तो दो जाने की। चलो अब बताओ कहाँ लेके जानी है, तुम ये बताओ। हमारी चलती जाएगी, हमारी कहीं नहीं रुकेगी गाड़ी। समय होटल बता दो, होटल कहाँ मिलेगा, क्योंकि अपने को 2:30 बजने वाले हैं, होटल पहुंचेंगे 3 बज जाएंगे, वीडियो एडिट करेंगे, सोएंगे, सुबह फिर निकलेंगे। और कहां से पावर लगा देंगे, यहां से थार नहीं चली ऊपर? हां थार उन्होंने यही लगा दी। हां अभी होटल का देखते हैं। ये हमारे आगे थार जा रही थी, उन्होंने वहीं साइड पे लगा दी है। चलो कुछ तो फायदा हो रहा है हमारे टायर का, पूरी ब्लैक आई है, पूरी ब्लैक आई भाई। और ये पूरा बर्फ का चादर बिछा हुआ है यहां। हां ये चादर ओढ़ के और सो जाए क्या? कंबल होता ना यार, काश आज मेरे को मिस हो रहा है कंबल होता ना भाई, ऊपर ही टेंट में सो जाते एकदम मस्त ना कंबल करके। होटल तो एक भी खुला नहीं दिख रहा था, फिर कुछ नहीं दिख रहा ब्लैक आइस के सिवाय। तो हमें एक होटल तो दिखा है, कोई अंदर दिख नहीं रहा, समीर नॉक तो कर रहा है, कोई दिख रहा है क्या अंदर? कोई नहीं है। अरे यार, और ये देखो सामने बर्फ की चद्दर देखो कितनी मोटी है। आगे देखता हूं। चला जा आगे चलते हैं फिर, और क्या। यहाँ भी एक होटल दिखा है, इस टाइम ना एक्चुअली सब सो रहे होते हैं, कोई उठा होगा तो बात हो जाएगी, रूम अवेलेबल होगा तो मिल जाएगी, अपने को सोने के लिए चाहिए, सुबह फिर निकल जाएंगे। और सोचो सुबह यहाँ से निकलेंगे ब्लैक आइस में से, सुबह का नजारा ही एक नंबर होगा भाई। देखो हमारे सामने जो डिजायर था ना, हाँ वो यहाँ फिसल रही है नीचे तगड़ी, वो ये वो आगे नहीं जा पा रहा बेचारा। तीन तीन गाड़ियाँ अटकी हुई है, दो हाँ। हेरी, तीसरी भी है ना, ये आपका हेरियर है शायद। आओ भाई साहब, दूर तक आवाज आ रही, ध्यान से सुनो। चलो हम भी चलते हैं, हम फंस तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमें होटल ही नहीं मिल रहा है। लेकिन हम तो गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं, हम गाड़ी के अंदर फंसे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 4-5 होटल थे पीछे, सब जगह पूछ लिया, कहीं रूम ही नहीं है। देखते हैं आगे कहीं मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो सीधा ही काजा लगा देंगे रातों रात ही। मजाक है यार। लो भाई यहाँ रेडिसन आए थे, ये भी आई थिंक फुल पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आज रात गाड़ी में बितानी पड़ेगी अपने को। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, चली जाएगी आगे, जाएगी 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 जाएगी। ओ भाई क्या घूमी थी गाड़ी, तगड़ी घूम रही है समीरन, तगड़ी। ओहो, जैसे सांप होता ना, सांप सांप की तरह डोलते हुए जा रही है। लो भाई ध्यान से देखोगे ना, स्नोफॉल चालू हो गई है, ये देखो बर्फ गिर रही है ऊपर से, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। और हमारा डिसीजन क्या है? हमारा डिसीजन, हमारा डिसीजन यही है, हम रेडिसन में रुकेंगे आज ना। लेकिन गेट के अंदर नहीं, गेट के बाहर। लेकिन हाँ बाहर ही रुकेंगे, अंदर नहीं है। देखो इन्होंने भी गाड़ी लगा ली है, मेरे को लग रहा है ये भी गाड़ी में सोने वाले हैं। और ये देखो शीशा भरता जा रहा है भाई पूरा स्नो से ना। ये देखो अब तो हमारे मीटर ने भी बता दिया 4 degree टेम्परेचर और स्नोफॉल, स्नो भी बनी हुई ना साथ में। तो भाई अपने को एक होम स्टे तो मिला है, एक छोटी सी दिक्कत है, पहले गाड़ी रोकता हूँ फिर बताता हूँ आगे सारी ब्लैक आइज है। जो ऊपर मेन रोड है ना वहाँ से वो होम स्टे 3 kilometer है, तो हमने फोन करा, एक दीदी ने फोन भी उठा लिया, उन्होंने बोला रूम तो है लेकिन 3 kilometer जो है ना वो ऐसी ढलान है तो आपकी गाड़ी आ ही नहीं पाएगी। मैंने उनको बोला 4x4 है, कह रहे 4x4 है तब भी नहीं आ पाएगी, मतलब इतनी तगड़ी है। तो हम तो आपको बोलेंगे रिस्क मतलब रूम हमारे पास है, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आप हमारे तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हमने उनको बोला जहां तक हम आ पाते हैं वहां तक आते हैं, अगर हमें लगेगा तो यू टर्न मार लेंगे, गाड़ी वहीं खड़ी करके सो जाएंगे, सुबह निकल लेंगे, लेकिन ट्राई तो करें। कहीं पर भी भाई रूम ही नहीं है, पूरा शिमला कुफरी मतलब फुल पैक है। चलो देखते हैं धीरे धीरे आगे जाते हैं भाई, पूरा ब्लैक आइस है, ऊपर से स्नोफॉल भी हो रहा है ना। हाँ तगड़ा स्नोफॉल हो रहा है भाई, सुबह तक हो सकता है हमारी गाड़ी भी भर जाएगी। चलो धीरे धीरे चलते रहो, देखते हैं क्या होता है। कोई गाड़ी गया तो है, निशान तो है गाड़ी जाने का ना, टायर का ये नहीं पता ना, लेकिन कब का है वो निशान पता नहीं कब का है। और सबसे मेन चीज क्या होता है ना, ये जो ब्लैक आइस बनती है इसका बनने का मेन टाइम होता है रात को 1 बजे के बाद, एकदम जब ठंड हो जाती है ना ये पूरी जम जाती है, कांच बन जाता है। और ये कांच बना हुआ जिसके ऊपर हम चल रहे हैं भाई, रोड देख रहे कितनी छोटी है, बिल्कुल निक्की सी रोड है। गाड़ी ने अभी तक कुछ प्रॉब्लम किया नहीं है, आराम से चल रही है गाड़ी, बिल्कुल आराम आराम से हम चला रहे हैं और आराम आराम से चल भी रही है, हम भी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। और इतना नीचे आ गए ना जैसे लग रहा 3-4 kilometer आ चुके हैं हम, लेकिन आए क्या है सिर्फ 300 meter, 2.7 kilometer अभी भी बचा हुआ है। अब लग रहा है कि हमने जो 4 lakh खर्चे है ना टायर पे वो हमारे वसूल है। नहीं नहीं अभी मत बोलो, नहीं 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 मतलब अभी तो बस 500 meter आया हो, मतलब इतना आके लग रहा है। हाँ
भले यहीं से यूटर्न मारना पड़ जाए लेकिन यहाँ तक भी आ गए, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। दीदी ने बोला आज सुबह से यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, तभी तो उनका होमस्टे खाली पड़ा बिल्कुल। वो कह रहे रूम है, रूम की टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, सुबह से कोई गाड़ी नहीं पहुंची। कितने आए थे, मतलब 100 मीटर 200 मीटर बाद ही यूटर्न मार के चले गए। मैंने बोला हम ट्राई करते हैं, अगर पहुंच जाएंगे आप बस सोने के लिए जगह दे देना। हेलो भाई, फाइनली हम लोग पहुंच गए, 140 मीटर रह गया। अब दीदी को फोन करें कि दीदी हम पहुंच गए सही सलामत ना। हाँ दीदी पहुंच गए हम लोग। हेलो, जैसे इसने दीदी को बोला ना हाँ दीदी पहुंच गए हम लोग, दीदी ने आगे से 2 मिनट तक जवाब ही नहीं दिया, वो सोच में पड़ गई पहुंच कैसे गए, यही होगा ना समीरा। लाइटा वाइटा जल रही है एकदम बढ़िया। ये रहा भाई हमारा होम स्टे, आज हम यहाँ रुकेंगे। एक भी गाड़ी नहीं है, एक ये गाड़ी खड़ी है, ये इनकी अपनी होगी। अरे शिमला के गुलमर्ग पे रह रहे हम लोग। हाँ भाई गुलमर्ग होटल का नाम कुछ गुलमर्ग करके, सुबह यहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे तब आपको फील आएगा एकदम बढ़िया ना मजेदार। तो हमारे लिए पार्किंग खुल चुका है, डंडा लगा हुआ था दीदी आई, डंडा हटाना स्पेशल ना। चलो फाइनली आज का दिन सफल रहा, पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। टाइम बताऊं आपको, 3:20, अरे कहाँ चला गया, 3:20, 4 बज जाएंगे सोते सोते। नहीं नहीं एडिट भी तो करेंगे, 6 बज जाएंगे सोते सोते, कल का दिन यहीं रुकना पड़ेगा वैसा लग रहा है। चलो चलो चलो। तो भाई वो खड़ी अपनी नीचे कार जो की है हाहा कार और ये रहा अपना रूम, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। क्या बर्फ की चादर है ये बिछा रखी है स्पेशल हमारे लिए, ये अपना बेड, मेहमान आएंगे उनको यहाँ बिठाएंगे। और ये रहा अपना वॉशरूम, गीजर वीजर भी दिया हुआ है नहाना हो तो। और अभी आपको यहाँ का टेम्परेचर बता दूँ, यहाँ पर -3 -4 हो रहा है, रात को थोड़ा और कम हो जाएगा। मैंने उनको बोला हीटर मिलेगा, कह रहा हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार कंबल में घुस जाओगे ऑटोमेटिक बढ़िया नींद आ जाएगी। बाकी इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा ये डिसीजन था लॉर्ड ऑल्टो को ना लेके आने का, बहुत सही रहा। मेरे को अभी ऐसा महसूस हो रहा है जिस रास्ते से हम आए हैं ना, कल अगर आपको ये रास्ता दिखाएंगे आप बोलोगे भाई क्या ही कर दिया, रात में तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, दिन में आपको दिखाएंगे आप बोलोगे भाई कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। और ये सब हुआ आपकी वजह से, सिर्फ आप लोगों ने इतने कमेंट कर दिए ना, मैं अभी देख रहा था 10,000 से ऊपर कमेंट हो गए उस वीडियो पर, सब जगह डिफेंडर 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 डिफेंडर। आप लोगों ने मेरे को मजबूर कर दिया भाई डिफेंडर लेके जाओ, प्लान पूरा था लॉर्ड ऑल्टो लाने का, लेकिन आप लोगों ने बोला हम लेकर आए। कहते हैं ना ऊपर वाला जो करता है सही करता है, तो ऊपर वाले ने ही आप लोगों को मेरे लिए भेजा हुआ है। आप जब भी मेरे कुछ कहते हो हम मानते हो, और वो डिसीजन हमारा बहुत सही निकलता है। बाकी ठीक है, होप करते हैं आपको इस वीडियो में मजा आएगा। अभी एंड करते हैं, नींद बहुत आ रही है, इस वीडियो को एडिट भी करना है, या तो सुबह उठ के करेंगे या देख लेंगे जैसा भी मैनेज कर लेंगे। यहाँ तक आपने देख लिया, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। देखो लाइक करते हो ना अच्छा लगता है, पिछली बार जब मैंने विंटरस्पीति करा था ना मेरी वीडियो पे 1.5 लाख लाइक है, लेकिन अभी आप लोगों को पता नहीं मज़ा नहीं आ रहा या हम मजे दे नहीं पा रहे, हमें तो बहुत मजा आ रहा है लेकिन आप लोगों को आ रहा नहीं आ रहा ये नहीं पता। तो लाइक करके जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आने वाली है। कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलता है किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय, गुड नाइट। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।